हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके फ्री चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आपको तत्काल प्राप्त हो सके और आप उससे लाभान्वित हों। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार परिचित हैं, परखी हुई हैं, जांची हुई हैं, प्रमाणित हैं और इनको करने से आपको अपने जीवन में धन, सुख एवं संपत्ति की प्राप्ति और यश की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है, आप इधर उधर थूकते हैं, तो यह निश्चित है कि आपको यश सम्मान बड़ी मुश्किल से मिल भी जाएगा तो टिकेगा नहीं, या तो मिलेगा ही नहीं और मिल भी जाएगा यह सम्मान तो टिकेगा नहीं। इसलिए आप यदि इधर उधर थूकते हैं अनावश्यक रूप से तो इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। सिर्फ और सिर्फ वॉश बेसिन में थूकें, उसके बाद पानी गिरा दें, क्योंकि ऐसा करने से दोस्तों गुरु ग्रह खराब होता है। यदि आप सिर्फ वॉश बेसिन में थूकते हैं तो इससे गुरु ग्रह मजबूत होगा। दूसरा, यदि आपके यहाँ कोई भी आता है तो उसे स्वच्छ जल अवश्य पिलाएं। ध्यान दें, आपके यहाँ कोई भी आगंतुक आता है, कोई भी बाहर से आता है तो उसे स्वच्छ जल अवश्य पिलाएं। ऐसा करने से राहु की आप पे कृपा बनी रहती है, राहु का कभी भी आपको दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा, अचानक आ पड़ने वाले कष्ट संकट नहीं आते हैं। तीसरा, जिन लोगों को अपनी जूठी थाली या बर्तन वहीं उसी जगह पर छोड़कर चले जाने की आदत होती है, उनको सफलता कभी भी अस्थाई रूप से प्राप्त नहीं होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे लोग अच्छा नाम नहीं कमा पाते हैं। अगर आप अपने जूठे बर्तनों को उठाकर उनकी सही जगह पर रखाते हैं तो चंद्रमा और शनि का आप सम्मान करते हैं और चंद्रमा और शनि शुभ फल आपको देते हैं। कुंडली में चंद्रमा और शनि मजबूत होते हैं, इससे मानसिक शांति बढ़कर जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। दोस्तों, घर में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अपने परिवार के सदस्यों ऐसे ही प्यार करें और देखभाल करें। जिस घर में भी सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है तो हम बुध, सूर्य और चंद्रमा का सम्मान करते हुए परेशानियों का डटकर सामना कर पाने का सामर्थ्य पाते हैं। परेशानियाँ दूर होती हैं, सुकून मिलता है और विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है। एक कुछ दिन पहले हुए अनुसंधान में ये आया है कि जो लोग नियमित रूप से पौधों के बीच रहते हैं, पौधों को पानी देते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी परेशानियाँ नहीं पकड़ पाती हैं। मित्रों, पांचवा उपाय, जो लोग बाहर से आकर अपने चप्पल, जूते, मोजे इधर उधर फेंक देते हैं उन्हें उनके शत्रु बड़ा परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए अपने चप्पल जूते सही तरीके से लगाकर रखें, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मित्रों, जिन लोगों को राहु और शनि खराब होता है वो लोग जब अपना बिस्तर छोड़ेंगे तो उनका बिस्तर हमेशा फैला हुआ होगा, सिलवटें ज़्यादा होंगी, चादर कहीं, तकिया कहीं, कम्बल कहीं, उस पर ऐसे लोग अपने पुराने पहने हुए कपड़े को भी फैला देते हैं। ऐसे लोगों की पूरी दिनचर्या भी कभी भी व्यवस्थित नहीं रहती, जिसकी वजह से वे खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को ही परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए उठते ही स्वयं अपना बिस्तर समेट दें, जीवन आश्चर्यजनक रूप से सुंदर होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, पैरों की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नहाते समय अपने पैरों को अच्छे से धोएं, कभी भी बाहर से आएं तो 5 मिनट रुककर मुंह और पैर धोएं। आप स्वयं पाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका चिड़चिड़ापन कम हो रहा है, दिमाग की शक्ति बढ़ रही है और क्रोध धीरे धीरे कम होने लगा, आनंद बढ़ेगा। दोस्तों, रोज खाली हाथ घर पर लौटने से धीरे धीरे उस घर से लक्ष्मी चली जाती हैं और उस घर के सदस्यों में नकारात्मक या निराशा के भाव आने लगते हैं। इसलिए जब घर से लौटें तो रोज नहीं तो अक्सर कुछ ना कुछ वस्तु लेकर आएं,
इससे घर में बरकत बनी रहती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में कुछ न कुछ लाना वृद्धि का सूचक माना जाता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि और धन हमेशा बढ़ता जाता है और घर वाले सदस्यों की भी तरक्की होती है। अंतिम बात दोस्तों, जूठन कभी भी न छोड़ें, जूठन बिल्कुल न छोड़ें, ठान लें, एकदम तय कर लें, इससे पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी, अन्यथा 9 के 9 ग्रह खराब होकर होने का खतरा सदैव मंडराता रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ करने कुछ और काम जाएंगे और वो काम नहीं हो पाएगा, समय और पैसा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए जूठन कभी भी ना छोड़ें। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने अन्य मित्रों और संबंधियों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हों और इन उपायों को हम अपने रोज की जीवन की दिनचर्या बना के अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, सुख और सम्मान पा कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक